नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के खास मेहमान हैं जगन्नाथ मिश्रा जी। जगन्नाथ जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत चर्चित नेता रहे हैं बिहार के और देश के, और इस समय फिर एक बार चर्चा में हैं चारा घोटाले को लेके। और चारा घोटाले में जो इनके ऊपर आरोप लगे थे उसमें बरी होने को लेके, तो जगन्नाथ जी सबसे पहले तो हम यही चर्चा करते हैं कि जब आप बिहार के मुख्यमंत्री थे तब, जब नेता प्रतिपक्ष थे तब, ये चारा घोटाला क्या था जो कि आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है? एक बात तो शुरू स्पष्ट होनी चाहिए कि सारा प्रकरण की बातें जो बयान उठी, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे उनके ज़माने में, एक्सेस विड्रॉल तेजी से हो रहे थे, बजटेड अमाउंट से ज़्यादा पैसे निकल रहे थे, सरकार की तरफ से कोई सावधानी नहीं थी, ईडी की तरफ से भी कोई सावधानी नहीं थी, और सरकार के स्तर से जो सतर्कता रखनी चाहिए वो नहीं थी। इसी में अनऑथराइज पेमेंट होता चला गया, पूर्णतः लालू प्रसाद जी के कार्यकाल का है। इस मामले में एक बातचीत जो फूल के आती नहीं है कि देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे उन दिनों में, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में। देव गोरा जी रामकृष्ण हेगड़े को जो थे मुख्यमंत्री पहले कर्नाटक के, उनसे वो अनबन था, उनको हटाना चाहते थे। लालू जी उस समय जनता दल के अध्यक्ष हो गए थे। लालू जी पे ये मामला उठाने की बात हो रही थी देव गोरा की तरफ से। ये मामला ये उस गंभीरता तब ली कि जब देवगौड़ा जी ने जोगिंदर सिंह को डायरेक्टर बना के सीबीआई कर लाया, और उस समय तक बातें उठ रही थी काफ़ी वहाँ पे बिहार में विरोध पक्ष की ओर से, तो उसमें देवगौड़ा जी चाहते थे रामकृष्ण हेगड़े को हटाना, लालू उसके तैयार नहीं हो रहे थे। इसी वजह से वह एक मामला वहाँ निकालने की कोशिश हो रही थी। चूँकि एक्सेस विड्रॉल हो रहे थे उसके मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब ये है कि देवगौड़ा ने लालू यादव को फंसाया। हमारा ख्याल यही है कि प्रारंभ है देवगौड़ा से उनको, और हमको भी फंसाया इसमें सीताराम केसरी ने स्पष्ट रूप से, चूँकि सीताराम केसरी लालूबाजी को पसंद करते थे, सीताराम केसरी लालू को छोड़वाना चाहते थे, देवगौड़ा छोड़ाना चाहते थे। जब सीताराम केसरी ने देवगौड़ा को कहा कि अगर लालू को नहीं छोड़ते हो तो जगन्नाथ मिश्रा को इसमें डाल दो, क्योंकि कांग्रेस के भीतर की राजनीति बिहार की थी, उसमें केसरी से सवाल नहीं बनता था वो, और इससे केसरी ने हमको परेशान करने के लिए देवगौड़ा को कहा। जब देवगौड़ा ने जोगिंदर सिंह को ले आए बिहार में सीबीआई के डायरेक्टर में, तो देवगौड़ा ने उनको कहा कि सीताराम केसरी हमको परेशान करते हैं, जगन्नाथ मिश्रा को डाल दो इसमें। जोगिंदर सिंह ने ढूंढा, कोई चीज़ नहीं मिली, उसको एक चिट्ठी रिकमेंडेशन की मिली एक ऑफिसर को, एक ऑफिसर के बारे में हम खत लिखा था, उसी के बेसिस पे केस में हमको ले गया। सबसे बड़ी बात ये हुई, फ्रेम किया गया 88 में मुख्यमंत्री हो कि गवर्नर से जो सैंक्शन लिया सीबीआई ने वो गलत तथ्य के आधार पे, 88 में मुख्यमंत्री हम नहीं थे, गवर्नर से जो लिया सैंक्शन उन्होंने वो कह के लिया है कि जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव जी के कहने पे उन्होंने राम राज नाम को प्रोन्नति दी, और जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो लालू जगन्नाथ मिश्रा कहने पर उन्होंने स्वयं आर सिंह को सेवा विस्तार दिया। होल केस यही है पूरा, कि जबकि 88 में मुख्यमंत्री थे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है कि लालू यादव जी कहने पर हम उनको डायरेक्टर बनाया हूँ, और न ये सवाल तो उठता है। इसलिए मिथ्या एक स्टोरी बना के ये केस कहानी हमारी खिलाफ बनाई गई, और वही चीज चलती रही, केवल अनुशंसा पत्र ही लगातार हमारे खिलाफ चलती रही, उसी में सीबीआई जो घोटाला तथ्य को करती रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जो लालू यादव के खिलाफ सीबीआई जांच का निर्णय हुआ वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, हम पॉलिटिकल हमको लगता वेंडेटा नहीं था देवेगौड़ा का, जब और जब आपका नाम जो सीबीआई जांच में घसीटा गया
ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? हमारा तो 100% पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, उसी में लिया गया इस हिसाब से कि जगन्नाथ मिश्रा लीडर ऑपोजिशन थे, लेकिन हमको बना दिया मुख्यमंत्री 88 में, और हमको कह दिया कि हमने लालू यादव के कहने पे एक्सेशन दे दिया अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, और हम लालू यादव हमारे कहने पे चिट्ठी पे उन्होंने हमको कर दिया एक्सटेंशन। तो ये मामला, ये नेक्सस जो था, ये नेक्सस पे बनाया गया हो, लेकिन मिथ्या था यह कि सीबीआई ने जानबूझ के हमारे खिलाफ तथ्यों को झूठा करके ये मुकदमा बनाया। पर लालू यादव की जो आपस में झगड़ा थी देवोरा के साथ से जो कुछ रहा हो, लेकिन हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। लेकिन सीबीआई को जब देवोरा ने कहा कि लालू कुछ लेना है, तब तो सेंक्शन लिया उसने गलत तथ्यों का सामने रख के 88 में मुख्यमंत्री बताते हुए हमारे एक्शन जो एक्शन था उसमें ये बात साफ हो कि इनको प्रमोशन देने का काम किया था भागवत आजाद ने, मुख्यमंत्री थे वो, और उनको अभी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे और उनके बेटा भी इस समय बीजेपी में है, बीजेपी में है। अच्छा, ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये मामला बना कैसे बना, ऐसे कि देव गोरा जी के कहने पे जब मुकदमा चला और जब सीबीआई ने एक्सटेंशन ऑर्डर लिया चीफ मिनिस्टर को मुकदमा करने के लिए, तो उसमें हमारे नाम को देके दे दिया, तो उसी केस बनता था वो, क्योंकि हमको नहीं रखते थे केस के बनता नहीं था कोई, इसलिए हमको केस बनाने के लिए सीबीआई ने ही खड़यंत्र रचा और भगवत आजाद के एक्शन को, सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी के एक्शन को, हमारा एक्शन बता के हमको इस मामले में फंसाया। और चूँकि सीताराम केसरी हमारे बहुत खराब थे और वो लालू प्रसाद यादव को बचाना चाहते थे, और बात यह हुई कि जब घटना घटी वो देखनी चाहिए कि हमने विपक्ष के नेता खेसियत से पहली बार 20 नवंबर 1990 को हमने विधानसभा में कहा कि शराब घोटाले में गड़बड़ी हो रही है, विपक्ष के नेता खेसियत से कहा पहली बार हमने। दूसरी बार हमने कही 8 जुलाई 1993 को विधानसभा में कि एक्सेस विथड्रॉल हो रहा है, फिर हमने 2 अप्रैल 1993 को कहा एक्सेस विथड्रॉल हो रहा है। ये बातें हमने उठाती रही लगातार, और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई ने हमारे इस भाषण को सुशील कुमार मोदी के भाषण जोड़ दिया, जबकि इस इशू को हमने ही उठाया, एक्सेस विथड्रॉल के सवाल को हमने उठाया, और जो आदमी की किसी से डायरेक्टली निर्णय होगा तो मामला क्यों उठाता, हम ही मामले उठाते गए, लगातार उठाते गए, और हम ही ने कार्रवाई करने की मांग भी की, सीबीआई की जांच कराने की मांग भी हम ही ने करी, लेकिन सीबीआई ने जानबूझ के हमको मामले में कभी उतरते गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को उनको बनाना था इसमें, उसको सेंथन करना था उसको। तो इसमें तो एक और चीज सामने आई कि आपका जो एज विपक्षी नेता का भाषण था, उस भाषण को एट्रीब्यूट कर दिया सुशील मोदी के नाम से, सुशील मोदी का, और भगवत झा आजाद एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने सेवा विस्तार दिया था, भगवत आजाद ने उनको प्रमोशन देने का काम किया, वही प्रमोशन वगैरह दिया, और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी ने उस प्रमोशन को डिपार्टमेंट के विरोध करने के बावजूद भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने उनको दे दिया, तो उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो जब हमारा नहीं था, हमारा प्रत्यक्ष पक्ष कोई पग था नहीं, हम भी लड़ाई लड़ रहे थे विधानसभा में, रोज एक चर्चा हम करते थे विधानसभा में, हम अपने भाषण करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो हम ही लड़ाई लड़ रहे थे, हम ही कुछ बना रहे। तो इसका मतलब तो साफ है कि सीबीआई जो उस समय के राजनेता थे उनके दबाव में काम कर रही थी। जोगिंदर सिंह ने जो किताब लिखी है इनसाइड सीबीआई, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि इंद्रकुमार गुजराल ने हमको रोका कि लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी नहीं करी हमारी पार्टी के, लेकिन जोगिंदर सिंह शायद तो उसके दबाव में थे, देवगौड़ा के दबाव में थे, इसलिए इनकी बात उन्होंने नहीं सुनी और उन्होंने ये किया। ये सब सवाल ये उठता है कि सीबीआई ने देवगौड़ा के कहने पे प्रारंभ कराया, और एके गुजरात जब उनको छूट दिलाना चाहे तो सीबीआई ने उनकी बात नहीं सुनी, लालू यादव गिरफ्तारी कर दी। लालू यादव गिरफ्तारी कर दी तो सवाल क्या उठता है, एक बड़ा भारत पॉइंट जानने का है कि जब सीबीआई ने ये बात उठाई तो लालू यादव जी को मुख्यमंत्री से हटना पड़ा, और वहाँ पर उनकी बीवी रामदेवी मुख्यमंत्री बनी और वो गए हुआ, और इसी के बाद विधानसभा में विश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा, क्योंकि जनता दल पार्टी टूट चुकी थी, शरद यादव बन चुके थे,
अब इस काम को करने के लिए सबसे कि लालू प्रसाद यादव जी को जब जेल जाना पड़ा और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, जो विधानसभा में बहुमत का सवाल आया, शरद यादव अलग हो चुके थे लालू यादव से और शरद यादव जी ने सरकार के खिलाफ थे। इस सवाल को कम करने के लिए सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष है, उनसे उन्होंने समर्थन मांगा, लालू यादव जी को समर्थन दिया कांग्रेस ने। हमने विरोध किया, हम कांग्रेस में थे, राज्यसभा में थे, हमने कहा कि सुसाइडल है, अपने आप लालू यादव जा रहे हैं, जाने दीजिए। और यही मुख्य कारण हुआ, जब लालू यादव जी जेल में गए तो उनको वोट दिया कांग्रेस पार्टी ने। फिर जब दूसरी बार राबड़ी देवी को कॉन्फिडेंस वोट देना पड़ा, उसमें फिर कांग्रेस ने वोट दिया। हमने विरोध किया कि कांग्रेस के विरोध मत, समर्थन मत करिए, सरकार गिरने दीजिए, वोट होगा। यही हमारा कांग्रेस से झगड़ा हुआ। उसके बाद हम 3 अगस्त को कांग्रेस बचाओ सम्मेलन किया, इसी को सीताराम केसरी ने हमको दल विरोधी करार करते हुए 6 साल के लिए कांग्रेस निकाल दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जगन्नाथ जी, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आखिर क्या कारण था कि जो दलीय कलह थे, चाहे जनता दल का आंतरिक कलह हो या कांग्रेस पार्टी का आंतरिक कलह हो, उसमें CBI का दुरुपयोग हुआ, CBI का इस्तेमाल हुआ, उस समय जो डायरेक्टर CBI थे उनका इस्तेमाल हुआ, और एक दूसरे से अपना स्कोर सेट करने के लिए जुडिशरी, CBI और बिहार के खजाने को एक तरह से हम कहें कि लूटा गया। जगन्नाथ जी, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो राजनीतिक दलों की आपसी गुटबाजी थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि सारी पार्टियां वहां विरोध की थी, वो लालू प्रसाद सिंह के खिलाफ लग गई थी इस मामले में, और चूंकि सेंटर का भी जोर था उन दिनों देवोरा जी का, वो भी तो लग गया था। लेकिन ये बात बड़ा उल्लेखनीय है कि TSD से पैसा निकल रहा ना जाए और सरकार को जानकारी नहीं हो, ये तो कमजोरी है। और AG की हिसाब रोज जाता है, कलेक्टर होते हैं TSD ऑफिसर, तो इतने पैसे निकल रहे थे कि सरकार की इनफिशियंसी इस मामले में साबित होती है। इतने पैसे निकल रहे हैं और सरकार को मालूम नहीं हो रहा है, AG को मालूम नहीं हो रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मालूम नहीं हो रहा है, 950 करोड़ रुपये निकल गए खजाने से, उसकी जानकारी विभाग को नहीं हो, TSD को नहीं हो, ये सरकार की विफलता ही है। इसी मामले में बीच में लालू प्रसाद जी चूँकि वित्त मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, इसे सारी जिम्मेवारी उनकी बनती थी इस मामले में कि तहकीकात हुई क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं हुई, क्या बात हुई, ये मामला डिटेल की बातें हैं। लेकिन ये बात सही है कि मुख्यमंत्री थे और हम तो कुछ थे नहीं, हम तो कोई ऑफिस बेरर नहीं थे, हम तो केवल विरोधी दल के नेता थे, हम सरकार के सामने में बातों रखते थे। हमने एक ही बात करी कि हमने एक ऑफिसर के बारे में चिट्ठी लिखी, एक्सटेंशन के बारे में, जो रिटायर कर रहा था, चूँकि छोटा नागपुर में काम रुक रहा था, वहाँ के MLA हमारे साथ मिल के आए कि काम रुक जाएगा, इसलिए एक्सटेंशन के लिए चिट्ठी लीजिए। चूँकि दर्जनों लोगों को एक्सटेंशन, सरकार में नियम भी है और एक्सटेंशन दिए जाते हैं, एक्सटेंशन देने के लिए हमने एक पत्र लिखा, उसमें कोई क्रेम और पत्र लिखना मिसकंडक्ट नहीं है। MLA MLC अगर रिकमेंडेशन नहीं लिखेंगे, करना ना करना सरकार का काम है, पावर तुम्हारा हाथ तो नहीं है। उसी तरह से श्याम बिहारी सिन्हा को एक्सटेंशन देने के लिए हम चिट्ठी लिखी, उस समय तक श्याम बिहारी सिन्हा पर कोई आरोप नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, विजिलेंस से क्लियर सब कुछ मिल चुका था, उस हालात में उनको दिया गया एक्सटेंशन, लालू प्रसाद ने दिया, हम तो केवल रिकमेंड किया, दिया तो लालू प्रसाद जी ने। यही तो आपको लगता है कि लालू जिम्मेदार थे उस पूरे घोटाले के लिए? चूंकि मुख्यमंत्री वही थे, फाइनेंस मिनिस्टर वही थे, देखना उन्हीं को था, ये मामला ये तक था। और जो काम हुआ एक्सटेंशन भी केवल हमारा नहीं करने, कई आदमी के रिकमेंडेशन, उन्होंने रिकमेंडेशन कर पर एक्सटेंड किया था। जो सरकार में प्रॉपर्टी है, जिनके अच्छे सर्विस रिकॉर्ड रहते हैं, उनको एक्शन दिया जाता है, उसी तरह से एक्शन दिया। इसलिए हमारे खिलाफ केवल चिट्ठी के अलावे कोई साक्ष्य CBI के पास नहीं था, किसी एक्सचेंज नहीं था। लेकिन चूंकि लालू जी के साथ हमारा था, हमारा केस अलग होता ही था, हम बार कई कोशिश की कि हमारा केस लालू यादव से अलग है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, हम कुछ नहीं रहे हैं, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट तो किसी में है ही नहीं। लेकिन हमारी बात तो सुनी नहीं गई, लालू प्रसाद यादव बात सुनी जाती थी, इसलिए हमारी बात तो सुनवाई किसी हालत में नहीं। अभी पहली बार लगता है कि न्यायाधीश ने फैक्ट्स को सही रूप में देखने की कृपा की है।
लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोग कह रहे हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार फंसा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष को सवाल उठता नहीं है, क्योंकि 20 साल से उनके द्वारा चल रहा है ना, इसी में 10 साल कांग्रेस का शासन था जिससे लालू प्रसाद जी मंत्री थे। इसलिए ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का इसमें कुछ है, हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका साथ ही, ये तो फैक्ट्स आया है और फैक्ट्स के आधार पर हुआ। जो एक्सेस विथड्रॉल हुआ उसको तो सब कबूल किया, लालू जी ने कबूल किया, लालू जी ने मुकदमा भी किया और उसके बाद सीबीआई को दे दिया गया, सीबीआई को दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुपरविजन का प्रोविजन कर दिया हाईकोर्ट में। इसलिए मामला तो वहाँ पर था, इसलिए वो खरीद मामला तो नहीं बनता है, लेकिन सही है कि इसको राजनीतिक रूप देने के बराबर कोशिश की जाती रही है। तो अब इसमें नीतीश की क्या भूमिका है? तो हम नहीं समझते हैं कि इसमें नीतीश की कोई भूमिका रही होगी इस करने में, ये तो एकदम सीबीआई के मामले का है। और ये कहना कि सीबीआई अगर आज गलत करता है तो पहले कल करता हो, सीबीआई का दुरुपयोग अगर कोई करते हैं तो सब करते होंगे, लेकिन जब कांग्रेस शासन था उस समय वही हालत थी और कांग्रेस शासन है तब वही हालत है। लेकिन जगन्नाथ जी हमेशा क्यों कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं? जब मुख्यमंत्री थे तब भी, जब गांधी परिवार से उनके बहुत नज़दीकी रिश्ते थे तब ये भी। बात भी हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस की दुर्गति बिहार में होने का बहुत कारण है मेरे साथ जो सलूक हुआ उससे, चूँकि लालू प्रसाद यादव के साथ जो त्वरित गठन होता था कांग्रेस का उसका हम बराबर विरोध करते थे। हम कहते हैं कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, कांग्रेस अगर लालू प्रसाद यादव के साथ जाएगी तो कांग्रेस कभी निकल नहीं सकती है। इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ और हमको हम 3 बार मुख्यमंत्री थे वहाँ पे, लेकिन हमको मुख्यमंत्री से हटना पड़ा इसी वजह से कि कांग्रेस के भीतर तो सीताराम कैसे का गुट था वह हमको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो चूँकि बिहार में वर्कर का पार्टी का बहुत, जब हम 83 हटाए जा रहे थे तो 135 एमएलए हमारे साथ हमेशा खड़े थे, निकलने को तैयार नहीं थे। अरुण नेहरू गए हुए थे और प्रणब मुखर्जी गए हुए थे, एक एमएलए ट्रस्टमस्ट नहीं होने वाला था वो। इसलिए कांग्रेस जो वहाँ की थी, एलएन मिश्रा की बनाई हुई कांग्रेस थी, उसी कांग्रेस को हमने बनाने का काम किया। और इंदिरा जी का इतना बड़ा विश्वास हम पर था जो 77 में कांग्रेस हार गई, तो उस कांग्रेस को फिर से वापस कराने में हमारा बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए जो लोग हमको चाहते थे कि मुफ्त नहीं बने, इंदिरा जी कहती थी नहीं जगन्नाथ मिश्रा ही ने कांग्रेस बनाई है वही बनेंगे वो। फिर जब राजीव गांधी हमको हटा रहे थे दूसरी बार, राजीव गांधी ने कहा कि आपके राज्य में बहुत भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, जब तीसरी बार हमको बना रहे थे तो हमने कहा कि हम क्यों बना रहे हैं, आपने तुमको कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस दिन कन्विंस हो गया जिस दिन आपने प्रेस बिल लाया, कोई पॉलिटिशियन प्रेस से झगड़ा नहीं कर सकता, आपने प्रेस से झगड़ा किया उससे आप संतुष्ट हो गए कि आप पर करप्शन की कोई हुन कमजोरी की बात आप नहीं है। इसलिए वो राजीव गांधी खुद संतुष्ट हो गए कि 90 के चुनाव में कांग्रेस की कोई भी जीत हो सकती है तो मेरे साथ ही हो सकती है, क्योंकि 99 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी हार गई थी बागरपुर दंगे की वजह से, और चूंकि मुसलमानों को सामने फेट थी, राजीव गांधी ने कहा कि मुसलमानों को कुछ वोट मिल सकता है तो आपको वजह से मिल सकता है, इससे फिर से बनाया होगा। इसे राजीव गांधी की से हमारा काफ़ी अच्छा रिश्ता हो गया, इंदिरा गांधी अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के भीतर की गुट चल रहा था सीताराम केसरी के मार्फत में, उसने हमको बहुत परेशान किया, उसका फलाफल हुआ कि कांग्रेस खत्म हो गई। अगर हमसे इतनी बार झगड़े नहीं हुए होते तो कांग्रेस बिहार में खत्म नहीं होती। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो उत्तर भारत में कमजोर हुई है या खत्म हुई है तो उसमें सीताराम केसरी जैसे नेताओं का बहुत बड़ा रोल था? सबसे बड़ा रोल उन्हीं का सबसे बड़ा रोल हुआ है, और उन्होंने जिस तरह से नरसिंह राव के साथ व्यवहार किया, नरसिंह राव को जो अपमानित किया, जिस तरह से उनको हटाया, इस सबसे कांग्रेस की जो क्रेडिबिलिटी थी बहुत नीचे चली गई है। और बिहार प्रेस बिल जो आप लाए थे उसके लिए आपको लगता नहीं है कि आपके पार्ट से गलती थी? नहीं, हमने तो क्षमा मांग ली थी असेंबली में, जब विरोध हुआ हमारा बहुत, सारे देश भर में विरोध हुआ, हमने तो अच्छा ही से लीक किया था, लेकिन हमने कहा फिर हाउस में कि हम तो अच्छे मनसा से लाए थे लेकिन लोग पसंद नहीं है तो बिल को वापस लेते हैं, तो बिल को वापस ले लिया था। लेकिन बिहार प्रेस बिल की अभी वसुंधरा लाई हाँ, थी, मैं वही पूछने जा रहा था कि वसुंधरा लाई थी वो बिल बहुत बुरा, हमारे बिल से बहुत बुरा बिल था इनका, लेकिन ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा आघात था वसुंधरा का बिल, वो सब सख्त हमारा बिल नहीं था। तो वह बिल तो किसी न किसी रूप में हर सरकार चाहती है जब सत्ता में रहती है, तो क्या कारण है कि सत्ता में आते ही जो है एक अंदर से एक तानाशाही प्रवृत्ति पैदा हो जाती है? ये कह सकते हैं चूंकि तो प्रेस लोग चाहते हैं
रखना साथ में अपना। लेकिन एक बात तो हम याद करा दें लोगों को कि ये बिल पहले तमिलनाडु में आया था, उसके बाद ये बिल आया था उड़ीसा में, उसके बाद आया था बिहार में। तो बिहार उन लोगों का बिल तो अभी अपना IPC में है ही है, हमारा बिल नहीं आया, इसी पर हट गया है। लेकिन वसुंधरा का बिल भी अभी जो उसने कमेटी में भेजा गया, वो पर वसुंधरा का बिल तो बहुत है, वो तो जर्नलिस्ट को तो जुर्माना देने का, जेल देने का, ये सब हमारे बिल में नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी एक नया कानून लाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, UPCO का, उसमें भी मीडिया को लेकर काफी बने कंट्रोवर्सी। हम समझते हैं कि लोकतंत्र में ये किसी को नहीं सोचना चाहिए, कोई सब दिन के लिए पावर में नहीं आता है, और लोकतंत्र को खंडित मत करिए। लोकतंत्र जो हमने अपनाया है जिस उद्देश्य से, और 19 में जो हमने अधिकार दे रखा है एक्सप्रेशन का, उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं चाहिए। ठीक है, अगर गलत होता, उसी में एक्ट में दिया हुआ है कि अगर गलत इस्तेमाल होता हो सरकार कुछ एक्शन कर सकती है, ये प्रावधान है। लेकिन सामान्यतया फिर एक्सप्रेशन पर रोक करके लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि जो इस समय सरकारें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीडिया को क्रश करना चाह रही हैं या अपने नियंत्रण में रखना चाह रही हैं, वो गलत कर रही हैं? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, करें, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात न करें। देश की जनता ने उनको विश्वास दिया है, उस विश्वास के हिसाब से जो पिछड़ापन की सबका विकास सबके साथ विकास का जो नारा दे रखा है उसी पर अमल करें। सबसे बात यह है कि हमारे यहाँ गरीबी, पिछड़ापन, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत बुरा है, इस पर जितना बल दें उतना अच्छा है, वनस्पति की आंतरिक विवादों में जाएं किसी तरह से। इसलिए नरेंद्र मोदी काम अच्छे हो रहे हैं जरूर, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि व्यक्तिगत आज़ादी पर कोई आघात पहुंचाया जाए। तो कोई और संभावना है आपकी भविष्य में राजनीति में, अगर दोबारा कांग्रेस में मौका मिले जाने का? नहीं, अब तो राजनीति नहीं, हम आजकल एकेडमिक काम करते हैं, किताब लिखते हैं। अभी हमने टोटल करीब 20 किताबें लिखी हैं, प्रोफेसर थे हम उस समय में, आसर करते हैं, लिखने पढ़ने काम करते हैं, राजनीति हमने कम्प्लीट ही छोड़ दिया। एक और आखिरी सवाल आपसे कि आप मानते हैं कि जिस तरह से सीताराम केसरी ने कांग्रेस में रह के अंदर ही अंदर कांग्रेस को कमज़ोर किया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी जो अगड़ी जातियों के प्रति उनके मन में द्वेष था वो एक सबसे बड़ा कारण था? एक बात ये सही है कि जैसे बिहार में उन्होंने लालू से समझौते किया, उत्तर प्रदेश में वो मुलायम सिंह को हमेशा मदद करते थे, इस तरह से अलग अलग राज्यों में जो ये बहुत खतरनाक बात हो रही है, और जिस तरह से जातीयता को रंग दी जा रही है, एक समझिए कि 97 में इसी मामले में धर्मपाल सिंह जी थे पटना हाईकोर्ट के जज, उन्होंने हमको एंटीसिपेटरी बेल दिया, वो पिछली जात के थे, और उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया, तो पिछली जात के थे, लालू यादव थे, हम थे, तो नारा लगने लगा उनकी तरफ से कि जगन्नाथ को बेल, लालू को जेल, फिर लग रहा है अब, फिर नारा लग रहा है। तो जुडिशरी के बारे में अगर ये दृष्टिकोण होने लगेगा तो क्या होगा देश का, अगर इसी में हमारे साथ नहीं है और पीछे 6 जात के लोग छोड़े भी गए हैं, तो इसमें ये तो फैक्ट्स पर है, पिछली जात कहाँ पर आता है? और हम कहते हैं कि जो धर्मपाल सिंह का उदाहरण जो 97 का उदाहरण है, वो उदाहरण है कि पिछली जात के होते हुए भी उन्होंने एंटीसिपेटरी बिल कहा, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ जो केस है मनगढ़ंत है, कुछ हियर से है, कोई तथ्य इसमें नहीं है। लालू यादव को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, इसलिए इनकी जिम्मेवारी बनती है। तो अब जो उनकी जिम्मेवारी बनती है तो उस जात के आधार पर जोड़ के जुडिशरी की तरफ मानना करना होगा ना, और सके जो नारा लगा रहे हैं इसी समय पिछली जात के लोग छोड़े हुए हैं, जुडिशरी की नज़र में अगर जात ले आइएगा तो फिर देश के लोकतंत्र का क्या होगा और समाज का क्या होगा? नहीं, कांग्रेस का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा नहीं दिखता है। अब राहुल जी आए हैं, कुछ परिवर्तन कर सकें तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस वर्कर को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, साथ ले जा पा रहे हैं, इश्यूज के साथ बांध रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद है कुछ कर सकें, ठीक है। और नीतीश के कामकाज को लेकर आपके कोई? अच्छा कर रहे हैं, एक बात सत्य है कि नीतीश कुमार जी को हमने सपोर्ट किया 2004 के चुनाव में, 5 के चुनाव में और 10 के चुनाव में, उसमें हमारा काफ़ी सपोर्ट था, कांग्रेस की पूरा सपोर्ट था, सपोर्ट कर भी रहे थे हम। नीतीश कुमार ने काम भी अच्छा किया, BJP के साथ समझौता था वो, लेकिन जब समझौता तोड़ा उन्होंने 13 में, उसको पसंद नहीं किया।
चूंकि लालू प्रसाद जी के खिलाफ ही गठबंधन बना था और उस गठबंधन में भाजपा के साथ थे वो, तो भाजपा से अलग होने से नीतीश कुमार भी कमजोर हुए उसे। और फिर अंतोगत्वा लालू प्रसाद जी का जो स्वभाव है, जो शासन है, जो जंगल राज था, वही स्वभाव का भी है। तो लालू यादव के साथ जाना, महागठबंधन करना नीतीश कुमार गलत हुआ। और बाद में नीतीश कुमार जी इस बात को समझ ले, जब आप फिर से वो भाजपा के साथ गए तो समझते हैं कि नीतीश कुमार जी कुछ कर सकते हैं, करने की इच्छा की है, लेकिन बिहार की कठिनाइयाँ बहुत अधिक हैं। उसका निराकरण कहीं दिखाई दे रहा है? दिखता नहीं, बिहार का भविष्य तो बहुत अच्छा, वो दिखता नहीं। वहाँ हिम्मत लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत लगता नहीं कुछ कर पाएंगे वहाँ। लेकिन महागठबंधन बनाना बहुत गलत हुआ था नीतीश कुमार जी का, और महागठबंधन से अलग हो गए ये अच्छा किया, फिर बीजेपी के साथ चले गए, एक स्टेबिलिटी हो गई, ठीक हो गया, चूँकि लालू प्रसाद जी का शासन बहुत बदनाम शासन हो चुका था जमाने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बात करने के लिए, थैंक यू।